नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ मासी जी के घर, क्योंकि 2-3 दिनों में है पुनीत भैया की शादी और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। शालू दीदी तो पिछली शाम को वहाँ पे पहुँच गए थे, लेकिन मैं नहीं जा पाया क्योंकि मैं धर्मशाला गया हुआ था एक इवेंट में और वहाँ से लेट पहुँचा और मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। तो मैंने सोचा अगले दिन आराम से नहा धो के रेस्ट करके जाऊँगा, तो इसलिए मैं आज जा रहा हूँ। और ज़्यादा दूर है नहीं मासी जी का घर, 10-15 मिनट लगते हैं टैक्सी में। तो मैं मासी जी के घर पहुंच गया था कुछ टाइम में और वहां पे तैयारियां चल रही थी, टेंट्स वगैरह वहां पे लग रहे हैं। थल्ले तो मैं घर पहुंच गया हूं और यहां पे कोई नहीं है। मैं, मासी, मासर, पुनीत भैया, शालू, हम हैं और टेंट लग रहे हैं बाहर। वो आपको मैं दिखा दूंगा थोड़ी देर में। पहले खाना खाना है, राजमा चावल बने हैं, तो खा के फिर मिलते हैं, थोड़ी गपशप मारेंगे आज सारे। सो गाइस, टेंट लग चुके हैं। गाइस, आपको याद है ये जो औरत आगे जा रही है ना, ये इसी दरवाजे से निकली थी और यहाँ से रोती रोती यहाँ चली गई थी। तो अभी हमने खाना खा लिया है, राजमा चावल बने थे, बहुत टेस्टी थे। और अभी हम सफाइयाँ करने, मतलब मैं तो क्या ये बेचारी लगी उसी से रगड़ना, तो मेरे को धोने हैं कपड़े, वो पीछे रखे हैं। मैंने अभी नए कुर्ते पजामा लिया था तो बहुत स्टिफ है, तो एक मेरा लोअर है ये भी धोना है। तो अभी मैं बाहर जाता हूँ, जैसे जुगाड़े से इतना नहीं धोना है पर थोड़ा थोड़ा धोना है। और ये लग रहे हैं बाहर टेंट्स, जब ये 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा तो ये और ज़्यादा सुंदर लगेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास कपड़ों का भंडार है। अब हम जा रहे हैं कपड़े धोने, और वो भी बिना वॉशिंग मशीन के। वॉशिंग मशीन तो अबर कौन लगाए, इतने धोने भी नहीं। तो फिर मैंने बाल्टी रखी, पानी चलाया और दड़ दड़ करके रगड़ रगड़ के अपने सारे कपड़े धो दिए। शालू भी काम कर रही थी, मैंने सोचा मैं बेला क्यों बैठूं, मैं भी अपनी एक टेंशन जो सबसे बड़ी कपड़ों की थी तो मैं वो ख़त्म करूं, क्योंकि अगर पिछले घर पे धोता तो मैं यहाँ नहीं आ पाता, मैंने कहीं यहीं धो लूँगा। पालमपुर से सीधा अपने गंदे कपड़े उठा के आ गया था, घर में धोने का टाइम नहीं मिला। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम धो देते हैं। अभी टेंट और डेकोरेशन वगैरह का काम भी धीरे धीरे चल रहा है और बहुत सुंदर लग रहा है। 1-2 दिन में ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो और ज़्यादा सुंदर लगेगा। फिलहाल अभी चाय पीते हैं जाके, आज हम बहुत लेट हो गए हैं चाय के लिए, सो लेट्स गो। हाँ, तो शाम के बज रहे हैं 5:30 और अब हम पियेंगे चाय। आज हम बहुत लेट हो गए हैं क्योंकि ये काम करा दी थी बेचारी, नो तो अभी बाजड़ बनी हुई है आज कल। मम्मी मेरे मुंह से इतनी खुशकी क्या हुई हुई है अरे। सेम हियर, मेरा ठीक है, मेरा दिखा ठीक है, होना ऐसे ही है तो ना ऐसे। मासी पीछे इससे ज़्यादा साफ सुथरा है, इससे लाइट तो नहीं है मासी जी चाय लेके आ गए हैं, अब मिलेगा सुकून। दोस्तों यहाँ पे अभी थोड़ी देर में गीत गाए जाएंगे, सुहाग एट घोड़ियां। तो हमारी शालू क्या होता था, सुहाग क्या होता था, अच्छा सॉरी, घोड़ियां गानी है जो कि लड़की की शादी में गाए जाते हैं, और शालू महारानी की घोड़ियां भी सुनाएंगे आपको। इसने भी याद किए, क्या था सह,
नदरे मैदान लाड़ा कोड़िया दे चढ़दा अगे और दरी वगैरह बिछा के हमने नाचा डाल दिया और हमें थोड़ी देर में ज्वाइन किया मासी जी ने। तो कुछ देर बाद आस पड़ोस की लेडीज भी गीत गाने के लिए आ गईं। मैंने अभी मासी से पूछे कौन सा कलर है, बोल रही कलेजी कलेजी रंग का सूट आधे सगना चाहिए ना बंगा ही नहीं पाएंगे ऐसे संभाले मिल ही नहीं थे कहाँ रखे ए आड़ी मम्मी तो तू क्या दिख रहा मम्मी मेरा पेपर लगा मैं फेल हो गया है ना मुझे दादी को तो नहीं लगा अच्छा हां ठीक है दे दे रहा हूं दिखना भी नहीं दे आदि मम्मी मैं कुड़िया ना होता ना हूं तो पागल हो गया रात के बज रहे हैं 12:30 नहीं तो बड़ी ए हो गया मम्मी तू हम इंजो कर रहे कंफ्यूज मुझे पूरे याद नहीं है ए ले इसके पास चादर के पीछे गिदड़ा लड़ाई है चलिया। नमस्कार मित्रों, तब 12:30 हो रहे थे और अब 1:30 बजने को हुआ है और अभी तक यहीं पे पैकिंग ही नहीं खत्म हुई अखा दिखा ऑल क्रेडिट गोज़ टू हर शोषण शोषण इस तरह बात जावे जो बुरे हैं अल्ली भी आधा पौना घंटा लगा बोल रही थी ये भी करना है वो भी करना है चलो करें कने ऐसा दिखाए राती अध राती नहीं सॉरी 2:45 बजे देखने प्राता ने गुड़ियो
इस टाइम पे तो हमारा इतना बुरा हाल था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या कर रहे हैं, दिमाग एकदम से अजीब ही हो गया था, ऐसा लगता पता नहीं कौन सा जहरीला नशा करके बैठे हुए हम लोग। सो गाइस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। टाइम क्यों है, 2 बज रहे हैं सुबह के और अभी हम सोते हैं। सुबह उठ के फिर हमने कांगड़ा जाना है, वहाँ पे अपना थोबड़ा चमकाना है, देखते हैं क्या क्या करेंगे, तो उसका भी व्लॉग बना दूंगा। सफाई हो गई है, काम हो गया है, पानी लेके आ रहे हैं मासी, तो अभी हम पानी लेके जा रहे हैं ऊपर सोने। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।